हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं किंग्समैन 3 फिल्म के बारे में, जिसकी रिलीज डेट को लेकर एक बहुत ही बड़ा मसला निकल कर आया है। वेल, तो क्या है वो डिटेल, चलिए इस पर डिस्कशन करते हैं। सो फ्रेंड्स, इसकी कंफर्मेशन मैंने आपको इंस्टाग्राम अकाउंट पर ही अपडेट कर दे दी थी कि एक्चुअल में इस फिल्म की रिलीज डेट को चेंज कर दिया गया है और अब ये फिल्म हमें 14 फेब 2020 को नहीं बल्कि 18 सितंबर 2020 को देखने मिलेगी। जी हाँ, ये इस फिल्म की ऑफिशियल रिलीज डेट है। अब मुझे ये नहीं समझ आया कि स्टूडियो ने ये डिसीजन क्यों लिया और इस फिल्म को पूरे 6 महीने उठाकर पीछे फेंक दिया गया इसकी एक्चुअल रिलीज डेट से। जिसके अगर रीजंस की बात की जाए तो हो सकता है कि फिल्म की स्क्रिप्ट में कोई ना कोई गड़बड़ी हुई हो, जिसके चलते फिल्म को इतना डिले करने का मतलब यही बनता है कि फिल्म में काफी सारे चेंजेस या फिर कुछ रीशूट्स किए जाए ताकि पूरी की पूरी फिल्म को ही उठाकर बदल दिया जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि फिल्म में और नॉन कास्टिंग को डाला जाए। अब रीजन कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये फिल्म एक्चुअल में किंग्समैन के यूनिवर्स का एक प्रीक्वल है, जिसमें हमें किंग्समैन की पूरी स्टार्स दिखाई जाएगी और उससे रिलेटेड डिटेल आपको मेरे चैनल पर मिल भी जाएगी, जिस पर मैंने इस फिल्म के ट्रेलर का ब्रेकडाउन किया था, ताकि आपको इस फिल्म से रिलेटेड काफी कुछ पता चले कि एक्चुअल में फिल्म के प्लॉट में हमें देखने क्या मिलेगा। तो ये सबसे बड़ा रीजन हो सकता है, क्योंकि देखा जाए तो ये फिल्म किंग्समैन के यूनिवर्स की एक रीबूट वर्जन है, जिस वर्जन में अगर अभी से कुछ चेंजेस किए गए होंगे तो डेफिनेटली आगे इस यूनिवर्स को और भी ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। और इसीलिए शायद फिल्म के राइटर डायरेक्टर मैथ्यू वॉगिन्स को ये बात पता चली होगी, जिसके बाद उन्होंने सीधे सीधे स्टूडियो से इस फिल्म को डिले करने की बात कर दी और स्टूडियो भी उनकी बात मान गया। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि डिज्नी और फॉक्स की डील हो जाने के बाद डिज्नी की तरफ से इस फिल्म की रिलीज डेट को चेंज किया गया हो, क्योंकि 2020 के स्टार्ट के मंथ से लेकर जून जुलाई तक हमें डिज्नी की तरफ से ही काफी सारी फिल्में देखने मिलने वाली है, जिनमें सुपर हीरोज की फिल्में भी है। इसलिए हो सकता है कि कंपटीशन से बचने के लिए डिज्नी स्टूडियो ने इस फिल्म को सेव कर लिया, क्योंकि ऑब्वियसली अब ये फिल्म डिज्नी के अंडर आती है और डिज्नी ही ये डिसाइड करेगा कि उन्हें इस फिल्म को कब रिलीज करना है। बट ऐसा ना हो कि देखते ही देखते ये फिल्म भी न्यू म्यूटेंट्स की तरह गायब हो जाए, जिसके बाद उस फिल्म का जिक्र ही नहीं हो रहा कि एक्चुअल में हमें न्यू म्यूटेंट्स फिल्म भी कब देखने मिलेगी। और दूसरी तरफ देखा जाए तो इस फिल्म के मार्केटिंग कैंपेन को भी शुरू कर दिया गया था, जिसमें अच्छे खासे पैसे लगते हैं और ऊपर से फिल्म के एक टीजर और ऑफिशियल ट्रेलर को भी रिलीज किया गया था। बट अनफॉर्चुनेटली इस फिल्म की रिलीज डेट चेंज हो गई है, जहां पर अब इस फिल्म के पूरे मार्केटिंग के पैसे वेस्ट हो गए हैं और फिर से इन सभी चीजों को दोबारा शुरू करना होगा, क्योंकि इतने महीने में लोग इस फिल्म को भूल भी जाएंगे। जबकि देखा जाए तो फिल्म की मार्केटिंग काफी अच्छी तरीके से की गई थी और लोग इस फिल्म को देखने के लिए भी रेडी थे, बट अब स्टूडियो के आगे किसी की तो चलती है नहीं। इसलिए अब जब स्टूडियो ने ही ये डिसाइड कर लिया है कि फिल्म को डिले कर सितंबर के महीने में उठाकर फेंक दिया जाए, तो उसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते। तो देखते हैं कि इतने बड़े गैप के बाद इस फिल्म में कितने सारे चेंजेस निकल कर आते हैं, ठीक सोनिक हेजॉग फिल्म की तरह। तो अब आपकी क्या राय है इस फिल्म की रिलीज डेट के चेंज होने को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और उसी के साथ साथ अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लग गया तो उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टिल देन बाय।